हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस और उसके टाइप्स के बारे में। देखो, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, किसी भी प्लांट की वो एबिलिटी कि वो किसी पैथोजन के इफ़ेक्ट को ओवरकम कर जाए या फिर उस पैथोजन के इफ़ेक्ट को रेसिस्ट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के 5 टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला है वर्टिकल रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पैथोजन के किसी स्पेसिफिक रेस के लिए रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो रही है तो उसे हम बोलेंगे वर्टिकल रेजिस्टेंस, यानी कि सारे रेसेस के लिए नहीं होगी। यहाँ पर रेस शब्द का क्या मतलब है कि कोई पैथोजन जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट फिजियोलॉजिकली उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कि एक पैथोजन एक वेराइटी को इन्फेक्ट कर रहा है और दूसरा पैथोजन दूसरी वेराइटी को इन्फेक्ट कर रहा है, दोनों आपस में जो इन्फेक्शन है वो कोज नहीं कर पा रहे हैं और सबकी सेम पैथोजन है, तो उसे हम बोलेंगे रेस। तो अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर या कुछ सम रेसेस ऑफ पैथोजन के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस है तो उसे वर्टिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक पैथोजन के सारे रेसेस के अगेंस्ट जब रेजिस्टेंस होगी तो उसे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बोला जाएगा। इसको कुछ अनोदर नामों से भी जाना जाता है, जैसे नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंट, क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस और जनरलाइज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टाइप आता है मोनोजेनिक रेजिस्टेंस। जब किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म को सिंगल जीन के पेयर के द्वारा अगर उसे कंट्रोल किया जाएगा तो उसे बोलेंगे मोनोजेनिक। नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मोनो मतलब सिंगल और जेनिक मतलब जीन। ओलिगोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि जब इसे फ्यू जीन के पेयर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस। और पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि जब बहुत सारे जीन्स के द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाएगा तो इसे बोला जाएगा पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस।